Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूँ आज वीडियो नंबर 30. आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये है आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 59. शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो यहाँ पे हैशटैग पर ध्यान दो. सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखी है मैंने. When the power to take decisions rest with the top management, it is called centralization. कि centralization का मतलब क्या हुआ? Limited dispersal of power. इसका मतलब क्या? कि powers and authorities को ज्यादा बांटा नहीं जाता, limit कर दिया जाता है. और जो power होता है decision making का एक organization में, वो सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? Top management के पास strictly रहता है. देखो हमने पढ़ा है एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो यहां पे सेंट्रलाइजेशन कहां होगा? हमेशा टूवर्ड्स द टॉप. कि पावर एकदम क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया. ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग का जो पावर है, सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करेगा इस पावर को, किसके पास अथॉरिटी होगी डिसीजन लेने की? सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होगी. तो जब भी टॉप मैनेजमेंट के पास ही सिर्फ डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. अब आओ डिसेंट्रलाइजेशन पे. हैशटैग पर ध्यान दो. व्हेन द पावर टू टेक डिसीजन इज गिवन टू द पर्सन परफॉर्मिंग द जॉब इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कि पावर जो होता है डिसीजन मेकिंग का, वो किसको दे दिया जाता है टॉप मैनेजमेंट के अलावा? उस इंसान को जो उस काम को कर रहा है, टू द पर्सन परफॉर्मिंग द जॉब. ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय को भी जब पावर दे दिया जाए डिसीजन मेकिंग का तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो क्लियर हुए दो टर्म्स यहां पे आपको. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? दैट द पावर इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट ओनली, सिर्फ वही डिसीजन लेगा. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ? जब एम्प्लॉयज को भी उनके लेवल पर छोटे मोटे डिसीजन दे दिए जाए, कि आप भी ले सकते हो, उनको भी अथॉरिटी दे दी जाए, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो फायोल ने क्या कहा? एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का. देखो यहां हैशटैग पर ध्यान दो. फायोल सेड टू प्रॉपरली बैलेंस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. हेनरी फायोल ने कहा कि पूरा सेंट्रलाइजेशन भी गलत है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी गलत हो जाएगा. क्योंकि अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ तो टॉप मैनेजमेंट हमेशा बर्डन में रहेगा, उनको हमेशा सारे डिसीजन लेने होंगे एंड अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की हमेशा हायर रहेगी. ठीक है, और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे? कभी कभार अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हैं या जेन्युइनली गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं जो डिसीजंस एक्चुअली फर्म को अफेक्ट करने वाले हों. तो हेनरी फायोल ने क्या कहा कि आप ना प्रॉपर बैलेंस करके रखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का. ठीक है, अब कितना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और कितना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर एंड लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो सेंट्रलाइजेशन लिमिटेड होगा, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना जरूरी है. अगर बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और बहुत प्रॉफिट अर्न करती है, करोड़ में टर्नओवर होता है, तो ऐसे में आपको एम्प्लॉयज को भी अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो लिमिटेड डिसीजन ले सके, तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी हो जाएगा. ठीक है, और यही आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप अकेले हो या आपके साथ एक और इंसान है जो काम कर रहा है, कि एक ही एम्प्लॉय है, तो आपको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, सेंट्रलाइजेशन से भी काम हो जाएगा. सो हेनरी फायोल ने ओवरऑल ये कहा कि सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि पावर्स टॉप लेवल पर भी होने चाहिए, और कुछ जो कि रूटीन वर्क है वो डिसेंट्रलाइज भी कर देने चाहिए. ठीक है, जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है या फिर जिनसे प्रोडक्शन तो हैम्पर हो सकता है बट जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे कुछ डिसीजंस डिसेंट्रलाइज कर देने चाहिए. सो इन दोनों का क्या है, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, नेचर पे एंड लोकेशन पे. देखो और हेनरी फायोल ने क्या कहा, एडिक्वेट एंड नेसेसरी अथॉरिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. कि जितना आपको लगता है ना कि एक एम्प्लॉय को इतनी थोड़ी बहुत अथॉरिटी देनी चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा, आपको उसे उतनी अथॉरिटी दे देनी चाहिए. देखो यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ में आएगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बैलेंस कर सकते हो सेंट्रलाइजेशन को भी एंड डिसेंट्रलाइजेशन को भी. देखो जो मेजर प्लान्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिसीज बनाना होता है, स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेशन करना होता है, ये सारी चीजें तो आप क्या कर दो, सेंट्रलाइज कर दो, यानी कि
एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स बनाना, पॉलिसी बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब तो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करेगा। और वहीं जो रूटीन वर्क है, जैसे रॉ मटेरियल की सप्लाई करना, डेली के टारगेट्स असाइन करना, ऐसी जो छोटी मोटी सी चीजें हैं जो डेली ऑपरेशन लेवल पे काम आती हैं, वो आप डिसेंट्रलाइज कर दो। ठीक है, अब देखो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ लेते हैं सेंट्रलाइजेशन के। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया तो देखो क्या होगा, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल मतलब प्रोडक्शन लेवल पर डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे से काम के लिए एक एम्प्लॉय को बार बार टॉप लेवल पर नहीं जाना पड़ेगा, वो छोटे मोटे रूटीन वर्क के डिसीजन खुद ही ले लेगा, तो प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा। देन सेकेंड क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। और जो छोटे मोटे डिसीजन है सिर्फ वही एम्प्लॉय ले रहा है, बड़े बड़े डिसीजन जो होंगे जैसे मेजर प्लान्स, पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज, वो हमेशा टॉप लेवल ही लेगा, तो कंट्रोल जो है वो स्ट्रिक्ट रहेगा। यानी कि कहने का सेंस क्या, अगर डिसेंट्रलाइजेशन भी अप्लाई किया गया सेंट्रलाइजेशन के साथ, तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कम हो जाती है। एंड देन ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलते रहेंगे। ठीक है, देन अगर हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन की बात करें, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, क्या नुकसान होंगे। फर्स्ट, डिले इन डिसीजन इन सेंट्रलाइजेशन। जो टॉप मैनेजमेंट है, हो सकता है कि उनको डिसीजन मेकिंग में टाइम लग जाए, क्योंकि उन्हें सारे डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, छोटे भी बड़े भी, तो वो बर्डन फील करेंगे। तो हो सकता है इससे कभी कभार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रुक जाए, प्रोडक्टिविटी रुक जाए। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो हो सकता है कि मेजर प्लान्स या स्ट्रेटजीज अच्छे से नहीं बन पाए, क्योंकि जब एक ही लेवल को सारे के सारे डिसीजंस लेने हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, है ना, इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। देन अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन आपने कर दिया तो क्या होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगा, एम्प्लॉयज अपनी मनमर्जी चलाएंगे, है ना, किसी और की नहीं सुनेंगे वो, है ना, और हो सकता है कभी कभार उनके किए हुए जो डिसीजन है, उनके जो लिए हुए डिसीजन है, उनके किए हुए जो काम है, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन को सीवियरली इम्पैक्ट करे। सो ना तो आपको कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ना ही आपको कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। रादर आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है सेंट्रलाइजेशन का भी एंड डिसेंट्रलाइजेशन का भी। सो हेनरी फायोल ने कहा आपको दोनों के बेनिफिट्स लेने हैं, कि जहां छोटे मोटे डिसीजन की बात है, रूटीन वर्क की बात है, तो डिसेंट्रलाइज कर दो, अपने एम्प्लॉयज पर ही छोड़ दो, और जो बड़े बड़े डिसीजन है प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज बनाने के, वो टॉप लेवल पर रहने दो, उन्हें सेंट्रलाइजेशन में रख लो। ठीक है, आया आपको समझ में, पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। ठीक है, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरी लिखिए, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रांग।